हाथरस हादसे में कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन भोले बाबा के कार्यक्रम में यह हादसा हुआ, क्या उनका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है? क्या भोले बाबा इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्यों अखिलेश यादव जैसे पक्ष विपक्ष के तमाम बड़े राजनेता हाथरस हादसे पर मरहम तो लगा रहे हैं, मगर भोले बाबा पर चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए जरा, हाथरस में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई महिलाएं, कई बच्चे भगदड़ में मारे गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई घरों में मातम पसर गया। और ये सब हुआ है एक स्वघोषित भोले बाबा यानी सूरजपाल के एक कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम को सत्संग का नाम दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में भोले बाबा इस हादसे के जिम्मेदार नहीं है? क्या उनके स्तर पर नियमों की अनदेखी नहीं की गई? क्या आयोजन स्थल पर तय तादाद से ज्यादा भीड़ जुट गई, ये भोले बाबा को नहीं पता था? क्या भोले बाबा को ये भी नहीं पता था कि मौके पर आपात स्थिति से निपटने के लिए ना पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और ना ही किसी एग्जिट गेट की व्यवस्था है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक हाथरस हादसे के मामले में दो ही तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, जिसे सबने देखा है। एक तस्वीर हाथरस के पीड़ितों के दर्द और उस दर्द पर मरहम लगाने की कोशिशों की गवाही देती है और दूसरी तस्वीर जुड़ी है उन तमाम कोशिशों से जिनके जरिए प्लानिंग है। इशारों इशारों में ही सही, मगर यही संकेत मिल रहे हैं कि पूरे हादसे से भोले बाबा के कनेक्शन और उनकी जिम्मेदारी को साफ तौर पर ढकने की कोशिश है, उनकी जवाबदेही पर पर्दा डालने की कोशिश है। खुद को भोले बाबा कहने वाले सूरजपाल को एक तरीके से इस हादसे में क्लीन चिट देने का प्रयास है और ये कोशिशें किसी एक राजनेता, किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर से नहीं हुई हैं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम हाथरस हादसे पर जांच और दोषियों पर कार्रवाई का ढिंढोरा तो पीट रहा है, मगर भोले बाबा पर मानो पूरे सिस्टम के मुंह में दही सा जम गया है, हलक से आवाज तक नहीं निकल रही है। इस मामले में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया और उस सवाल में भोले बाबा का जिक्र हुआ, तो किस तरीके से हाथरस हादसे में भोले बाबा की जवाबदेही पर गोलमोल जवाब देते हुए अखिलेश यादव नजर आए, जरा सुनिए। आप उस बहस को और मत छेड़िए, दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था, इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही है। ये तो अखिलेश यादव का इस मामले में रुख हो गया, वो सरकार को घेर रहे हैं, वो सिस्टम को घेर रहे हैं, वो प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं, मगर भोले बाबा पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब जरा राहुल गांधी को भी सुन लीजिए, वो हादसे के पीड़ितों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं, सरकार से पीड़ितों के लिए हर संभव मदद की मांग कर रहे हैं, मगर भोले बाबा पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो उनकी बात मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पेंसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन बहुत गरीब लोग हैं, मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने की, इस समय इनको जरूरत है, अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं।
ये तो यूपी के लड़कों का रिएक्शन हो गया। अब बात बीएसपी की। बीएसपी भी उसी राह पर है जिस राह में हाथरस तो आता है, हाथरस के पीड़ित भी आते हैं और उन पीड़ितों के जख्मों पर सांत्वना देने की कार्रवाई भी होती है। मगर बीएसपी के रास्ते में भी भोले बाबा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। तभी तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट में हाथरस का जिक्र तो कर दिया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग सरकार से भी कर दी, मगर उनके ट्वीट में भोले बाबा कहीं भी नजर नहीं आए। अब बात आती है सत्ता पक्ष की, बात आती है यूपी सरकार की, बात आती है यूपी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे उन तमाम लोगों की जो इस पूरे मामले में भोले बाबा पर सत्ता पक्ष पर विपक्ष के हमलों के जवाब में पलटवार करते हुए तो नजर आए, मगर भोले बाबा पर किसी ने कुछ ना कहा। यूपी सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है, प्रशासन लगातार गिरफ्तारियां भी कर रहा है, मगर अब तक यूपी सरकार की ओर से भोले बाबा पर क्या बड़े कदम उठाए गए हैं इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जो बताती है कि भोले बाबा का इस मामले से लेना देना है या फिर नहीं, क्योंकि प्रशासन ने इस मामले में क्या कुछ किया है उसको आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जिन भोले बाबा के सत्संग में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, उस मामले में जब FIR दर्ज हुई तो सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को ही पार्टी बनाया गया और ज्यादा से ज्यादा सेवादारों पर ही शिकंजा कसा गया। और तो और पुलिस के बड़े अधिकारी यही बताते नजर आए कि मौके पर यानी कि जहां हादसा हुआ था वहां पर सिर्फ भोले बाबा के सेवादारों के हाथ में ही पूरा का पूरा कंट्रोल था। मधुकर जी की लोकेशन के लिए टीम्स लगी हुई हैं, मधुकर जी के ऊपर रिवार्ड घोषित किया गया है और मधुकर जी मुख्य रूप से हम लोग उनकी पूछताछ के अंदर, अगर उनकी भी पूछताछ में कुछ और भी रोल निकल के आता है किसी का भी तो विल प्रोसीड अकॉर्डिंग। बाबा का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कितने वर्ष में दर्जन पहले की ऊपर इंटरेस्ट होता है, बाबा के आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग के द्वारा की जा रही है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है वो जानकारी हुई है कि सन 2000 के अंदर ये हेड कांस्टेबल पद से इन्होंने DRS लिया था और ये SPR ऑफिस जो होता है आगरा में वहाँ पर तैनात थे, वहाँ से इनके द्वारा DRS लिया गया। तत्कालीन समय में शाहगंज थाना आगरा में इनके ऊपर एक FIR लिखने की बात प्रकाश में आई है जिसके अंदर बाद के अंदर इसमें एक्विटल हो गया था। और जब सवाल भोले बाबा पर हुआ तो पुलिस प्रशासन मामले में भोले बाबा पर दर्ज आपराधिक मामलों की जांच का हवाला देता हुआ नजर आया, लेकिन भोले बाबा की भूमिका पर कोई भी जवाब सामने नहीं आया। तो बात साफ है, हाथरस हादसे पर सब कुछ हो रहा है, पीड़ितों से मिला जा रहा है, सियासत के नाम पर प्रशासन शासन को घेरा भी जा रहा है, विपक्ष के बार पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है, नसीहत भी दी जा रही है, मगर भोले बाबा पर सब शांत हैं और ये चुप्पी बहुत गंभीर है। ये चुप्पी सवाल उठाती है, क्या भोले बाबा को बचाने की कहीं कोई कोशिश तो नहीं हो रही है, कहीं पर्दे के पीछे कुछ और प्रयास तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि खबरें तो ऐसी भी हैं कि अभी तक भोले बाबा तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। और अगर ये सच है तो कौन बताएगा कि भोले बाबा हादसे के बाद कहां चले गए, कौन बताएगा भोले बाबा तक पुलिस के पहुंचने में कहीं कोई चूक तो नहीं हो जा रही है, कौन बताएगा कि भोले बाबा तक पुलिस को पहुंचने से आखिर कौन रोक रहा है, कौन बताएगा कि भोले बाबा से इस मामले में पूछताछ होगी भी या फिर नहीं, कौन बताएगा कि भोले बाबा पर ये रहम क्यों हो रहा है, कौन बताएगा कि भोले बाबा इस मामले में जिम्मेदार हैं भी या फिर नहीं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।